बेंगलुरु रामेश्वर कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। 1 मार्च को बेंगलुरु आईटीपीएल रोड रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर एनआईए ने मेन अक्यूज्ड बीजेपी वर्कर साई प्रसाद को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पहले मोबाइल शॉप में काम करने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था, फिर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद बीजेपी वर्कर साई प्रसाद को शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया गया है। कैफे ब्लास्ट केस में बीजेपी वर्कर की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में बागलकोट से अमित शाह की स्पीच को वायरल कर अमित शाह को इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 26 अप्रैल 2023 को अमित शाह ने असेंबली इलेक्शन कैंपेन के दौरान बागलकोट में कहा था, अगर बीजेपी इलेक्शन हारती है तो कर्नाटका में दंगे किए जाएंगे। बीजेपी कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हार गई और रामेश्वर कैफे ब्लास्ट केस में बीजेपी वर्कर की गिरफ्तारी से अमित शाह को इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में ब्लास्ट केस में बीजेपी वर्कर की गिरफ्तारी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।